नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं अजय शुक्ल आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें एक रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जन सरोकारों को लेकर के हम सदैव संजीदा रहते हैं और उनको लेकर के सदैव चाहे कितने भी कड़े कदम उठाने पड़े हम आगे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। आपके सवालों को लेकर के हम सदैव उस हर शख्स से सवाल करते हैं जो का लाजमी जवाब दे सकता है। आज हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए सामना सवालों का में मौजूद हैं कांग्रेस नेता विधायक करण दलाल। दलाल साहब आपका स्वागत है। दलाल साहब, आप एक ऐसे हरियाणा के नेता हैं जो तमाम बार सदैव विवादों में फंसे रहते हैं। कभी आप पर अभय चौटाला हमला करते हैं, कभी दूसरे करते हैं, आप सदैव हमलों के बीच में फंसे रहते हैं, आखिर क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस हरियाणा में जो हमारी राजनीतिक हालात अभी तक रहे हैं, तो कुछ परिवारों का या कुछ नेताओं का ही हरियाणा के अंदर दबदबा रहा है और वो लोग कभी ये नहीं चाहते कि कुछ पिछड़े इलाकों से, खास करके जैसे मेरा पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, तो वो ये कभी नहीं चाहते कि कोई मेरे जैसे लोग उनके सामने खड़े होकर के बहस करें या उनकी कही हुई बातों को चुनौती दें। तो इससे उनको तकलीफ होती है और जब उनको तकलीफ होती है तो बातों का जवाब बातों से ना दे करके, तर्क का जवाब तर्क से ना दे करके बेहूदगी और बदतमीजियों पर उतरने की कोशिश करते। विधानसभा में आप में और अभय चौटाला के बीच जूता पैजामा की स्थिति आ गई थी। यह स्थिति निश्चित रूप से किसी भी संवैधानिक दायरे के लिए बहुत ज्यादा खराब है, निंदाजनक है। आखिर ये हालात क्यों पैदा होते हैं? आप जैसे, जबकि आप इतना संजीदा माने जाते हैं तमाम चीजों को। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हमारे हरियाणा में चौटाला परिवार का अब तक दबदबा रहा है जी। तो उनका एक हरियाणा में जो अस्तित्व है उसके पीछे एक ये भी लोग मानते हैं कि उनके आगे कोई बोल नहीं सकता जी। ना उनकी अपनी पार्टी के लोग जी। ना दूसरे दलों के लोग जी। तो पिछले दिनों विधानसभा में जी। मैं अपने मुद्दे के ऊपर बोल रहा था जहां बीपीएल परिवारों के जो नाम सूचियों से काटे गए थे जी। उसके ऊपर मैं सरकार से सवाल कर रहा था, सरकार जवाब दे नहीं पा रही थी जी। उस स्थिति में बीजेपी खुद ना आगे आकर के उन्होंने अभय चौटाला जी को आगे किया। वो तो नेता प्रतिपक्ष है, जबकि उनको मेरा साथ देना चाहिए था जी। नेता प्रतिपक्ष सारे विपक्ष का नेता होता है जी। और एक बीपीएल परिवारों का, गरीब लोगों का मुद्दा था जी। तो उस सूरत में अभय चौटाला जी को मेरा साथ देना चाहिए था। मेरा साथ ना दे करके वो विधानसभा के अंदर अपना एक नाजायज दबदबा करके मेरी आवाज को बुलंद करना चाहते थे, मेरी आवाज को दबाना चाहते थे, और फिर उसके एवज में वो सारा कुछ जो वहां हुआ वो सबने देखा है। हमारे कार्यक्रम में ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश होती है, मैं कोई दबंग विधायक नहीं हूं, कोई नेता नहीं। वो दबंग है भी नहीं, लेकिन वो जाहिर ऐसा करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े दबंग हैं जी। हरियाणा के हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 36 बिरादरियों के लोग हमें चुनाव जिता करके भेजते हैं जी। और हम सबके बराबर के अधिकार हैं, बराबर के दायित्व हैं जी। हम सबको विधानसभा में आकर के निजी बातों को, निजी स्वार्थों को पीछे छोड़ करके हरियाणा के जनहित में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हमें एक साथ होकर के भी चर्चा करने की जरूरत होती है, उन मुद्दों को उठाने की भी जरूरत होती है। और मैं पिछले 30 सालों से हरियाणा की इस राजनीति में हूं और मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को बल्कि तमाम हरियाणा के उन महत्वपूर्ण मुद्दों को मैंने हमेशा एक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक आवाज बुलंद की है। और उन मुद्दों का हाई कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर, लोगों के अंदर हमेशा एक अस्तित्व रहा है, आम आदमी का भला हुआ है। आपने कहा कि आप 36 बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हाल के दिनों में विधानसभाओं, जींद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके अलावा नगर निगमों का चुनाव हुआ और आप कहीं पे भी नहीं स्टैंड कर सके।
जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय चुनावों में प्रदेश की किसी भी दल की राजनीति मायने नहीं रखती जी। क्योंकि स्थानीय मुद्दे होते हैं, कहीं नाली का है, कहीं पानी का है, कहीं सफाई का है जी। तो उन चुनावों में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की उसमें जीत हुई, कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह पर निकाय के चुनावों को लड़ने का फैसला ये किया कि हम चिन्ह के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सरकार बीजेपी की है तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर तो लोग सरकार का ही चाहते हैं कि सरकार के साथ रह करके अपनी छोटी मोटी समस्याओं को। जींद में भाजपा का कभी कोई वजूद नहीं हुआ करता था, जींद में भी उन्होंने आपसे जीत ली। जींद का जो उपचुनाव हुआ है सही मायनों में जी। वो इस देश की नई एक राजनीतिक दिशा तय करने का चुनाव मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि पहली मर्तबा किसी सिटिंग एमएलए ने और एक बाय इलेक्शन एमएलए का चुनाव लड़ा जी। और बहुत बड़ी प्रतिभा होते हुए, बहुत बड़ा पद होते हुए, एक राष्ट्रीय पार्टी का नुमाइंदा होते हुए भी जी। हम वहां जो इतना पीछे रहे जी। वो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती की बात है जी। और वो क्या हालात थे उनके ऊपर पार्टी चिंता करने लगी हुई है जी। और हम बहुत जल्दी ही जो भी कमियां इस जींद उपचुनाव में रही हैं उसे पार्टी के स्तर पर प्रदेश में हमारे वरिष्ठ जो नेतृत्व है वो भी इस बात से जानकारी रखते हैं और जो भी नुकसान हमारा हुआ, पार्टी का हुआ, हमारे कैंडिडेट का हुआ, उसकी भरपाई की कोशिश हम करने में लगे हुए हैं। पलवल यूपी के मथुरा से भी जुड़ा हुआ है, दूसरा और राजस्थान से भी थोड़ा आपका कनेक्ट बनता है, इधर एनसीआर का आप हिस्सा हैं ही, लेकिन वहां जो अपराधीकरण है उसको कहते हैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो अपराधीकरण क्यों है, क्या आपका भी संरक्षण है? जो हरियाणा के अंदर आपराधिक गतिविधियां, चाहे वो हमारा पलवल का इलाका है या हरियाणा का दूसरा जो भी इलाके उसमें शामिल आप अगर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कम पढ़ाई लिखाई होने की वजह से बेरोजगार जो हमारा नौजवान है उसकी वजह से, और जैसा आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण की भी वजह से, या जो अफसरशाही आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर के धन कमाने का काम करती है जी। तो उन बातों की वजह से हरियाणा में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। संरक्षण किन का है, आप लोगों का है या आपके विरोध जो सत्ता में है उन लोगों का है? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा संरक्षण तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का संरक्षण इन आपराधिक जो लोग हैं इनको कहीं ना कहीं से थोड़ा या ज्यादा, इलाके से इलाका थोड़ा फर्क होता है जी। फिर एक अधिकारी और आपराधिक लोगों का आपस में नेक्सस है, कहीं राजनीतिक लोगों से नेक्सस है जी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी जी। कम पढ़ाई लिखाई का होना जी। तो प्रदेश को इन आपराधिक गतिविधियों से अगर जान छुड़ानी है जी। तो पढ़ाई लिखाई को ठीक करना होगा, बच्चों को रोजगार देना होगा जी। तब ये माहौल को ठीक किया जा सकता है। किसी एक राजनेता से ये आपराधिक गतिविधियों का सीधा संपर्क होना कोई मायने नहीं रखता। दलाल साहब, एक चीज जो है आपके को लेकर के होती है कि आप 10 साल सत्ता में रहे और उस सत्ता में भी आप सबसे करीबी एमएलए थे मुख्यमंत्री के, इसके बावजूद आपका कहना है कि बेरोजगारी है, वहां दूसरी चीज है, अनपढ़ता है, तो आपने अपने यहां क्यों नहीं किया? जो 10 साल कांग्रेस की हुकूमत हरियाणा के अंदर रही जी, उस पर निश्चित तौर पर हम एक बात कह सकते हैं, आप आंकड़े मंगा लीजिए जी। हमारे 10 साल के शासनकाल में हर हाथ के काम था जी, नौजवानों को हर वक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक प्रयास रहता था जी, 36 बिरादरी के नौजवानों को रोजगार मिला करता था जी, तमाम हरियाणा में बराबर तौर पर मिला करता था। प्रदेश तमाम जरायम में फंसा हुआ है, तमाम सारे आपके आरोप हैं, इन सब के बावजूद आप लोग एक आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि वो अरावली को बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपने इसको लेकर के एक एजेंडा सेट कर रखा है, क्या है असल में, विरोध करने के लिए विरोध है या इसमें कुछ है? नहीं, ये जो अंग्रेजी हुकूमत में वर्ष 1900 के अंदर जी, उस वक्त अंग्रेजों ने ये देखा कि पंजाब जब ये होडल पलवल से लेकर के और बॉर्डर
तक एक ही पंजाब हुआ करता था। तो शिवालिक और अरावली जो हिल्स हैं, ये सभी पहाड़ियां भूचाल प्रभावित इलाके हैं और उनके फुट हिल्स पर यानी पहाड़ के नीचे बारिश के पानी से या हवाओं से या किसी भी गतिविधि से जब जमीन खिसकती है तो कहीं भूचाल ना आए, या जो पशु पक्षी इनमें रहते हैं उनके जीवन को खतरा ना हो, या जो पर्यावरण है उन इलाकों का वो पर्यावरण खराब ना हो, तो उस वक्त की हुकूमत ने 1900 में पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट यानी जो भूमि की संरक्षण अधिनियम पास सक्षम बना करके रखे जी। तो ये पेड़ पौधे लगाने के लिए और एक फॉरेस्ट इसके अंदर 3, 4, 5 सेक्शन इसके अंदर उन्होंने कायम किए थे जी। जिनके मायने हैं कि जो पेड़ पौधे जहाँ ये नोटिफिकेशन है वहाँ ना कोई पेड़ काट सकता है, ना जमीन खोद सकता है, ना और कोई गतिविधि कर सकता है जी। और ये सरकार क्योंकि हमारे तमाम इलाके अरावली फरीदाबाद गुड़गांव दिल्ली से सटा हुआ है जी, हमारी उन जमीनों की बहुत ज्यादा ऊंची कीमत है, तो भूमाफियाओं का भूमाफियाओं के हाथों में खेल करके जी इस सरकार ने एक ऐसी गहरी चाल चली कि हम इस कानून के मायने बदल देते हैं जी। और नाम इन्होंने दिया तरक्की का कि अगर तरक्की में रुकावट आती है तो क्यों नहीं हम इनके इस कानून के मायनों को बदल दें जी। और विधानसभा के अंदर जब ये कानून लेकर के आए तो हम सभी विपक्ष के विधायकों ने पुरजोर इसका विरोध किया, इनको समझाया कि ये पर्यावरण का एक बहुत जरूरी काम करते हैं पहाड़, और इसके साथ जो पेड़ पौधे हैं आप इनके साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो उन इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन पर एक विपरीत असर पड़ेगा जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सरकार ने आखिर फिर उसके बाद किया क्यों, क्या इंटरेस्ट था, किन लोगों से इंटरेस्ट था? क्योंकि उन तमाम इलाकों में सरकार के खुद के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य प्रदेश के मंत्री, भूमाफिया स्वामी रामदेव जी की कई हजार एकड़ जमीन है जी। और जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ अगर मकान बनाने की, कॉलोनी बनाने की, फार्म हाउस बनाने की इजाजत अगर हो जाती है तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे जी। तो हजारों करोड़ रुपए का सौदा हरियाणा की सरकार ने उन भूमाफियों के साथ किया जी। और जो नहीं होना चाहिए था वर्ष 1900 में बने PLPA के उस कानून को बदलने की हिमाकत की जी। हमारे पुरजोर विरोध की वजह से जो हमारे इलाकों में स्कूल के बच्चे तक ह्यूमन श्रृंखला बना करके विरोध कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुना जी। और शायद देश के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि अभी वो बिल कानून नहीं बना था, पारित हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उसे रोका है बल्कि सरकार को बहुत जबरदस्त फटकार लगाई, उनको अपमानित किया है कि आप कानून बनाने के लिए जनहित में कानून बनाए तो कोई बात है, आप लोगों को उजाड़ने का कानून बनाने में लगे हुए। ये भी कहते हैं आपके विपक्षी कि आपकी जब सरकार थी तो आपने भी उसमें कुछ रिलैक्स किया था। ये सही है लेकिन हमारी सरकार के रहते हुए नहीं, जो भी सरकारें पीछे रही जी उसमें जो कुछ लोगों ने जानबूझ करके नियमों को ताक पे रख करके वहां कॉलोनी बनाई है जी, तो हमने कहा कि जिसने बनाई है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अगर एक कॉलोनी गलत तरीके से बनी और आज की सरकार उसकी आड़ में वहां 60,000 एकड़ धरती पर जी। और कॉलोनी और फार्म हाउस वहां इस तरह के वो ऐस गाय बनाने की जी। केवल हजारों करोड़ रिश्वत लेकर के हमारे इलाके के बच्चों के जीवन को दांव पर लगाए जी। तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हमने इसका विरोध किया और महामहिम राज्यपाल को भी आज हमने ज्ञापन दिया है। आपने ज्ञापन दिया माइनिंग्स को लेकर के, आप लोगों की पार्टी सवालों में रही है कि तमाम माइनिंग में आप लोग गड़बड़ करते रहे हैं, अब ये सरकार अच्छा कर रही है। हुड्डा साहब कहते हैं ये सरकार रेत भी बेच रही है, दाल भी बेच रही, दूसरी चीजें बेच रही, क्या सच है? वो सही कहते हैं कि आप लोग सही कहते हैं? ये जो माइनिंग का, अब जो यमुना में जो रेती है, यमुना की रेती की कोई अभी तक ऑक्शनिंग नहीं हुई है, आप जाकर के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यमुना की रेती की चोरी में लगे रहते हैं जी। अधिकारी उनसे मिले हुए हैं और वो यमुना के जो सतह पर जो खड्डे गड्ढे जो इतने बड़े बड़े करते जा रहे हैं जी। उससे जो हमारे इलाके के अंदर जो धरती का जो मुड़ाव है जी। उसके लिए बड़ा भारी खतरा पैदा हो रहा है जी। मैं ये मान सकता हूं कि इस तरह की हरकतें
थोड़ी बहुत पिछली सरकारों में भी हुई होंगी, चाहे वो हमारी है या कोई और है जी। लेकिन जिस तरीके से यमुना की रेती में पहाड़ों में टैक्स की चोरी, प्रदेश के मंत्री खुद खानों को लेकर के टैक्स की चोरी करते हैं, नाजायज तरीके से खानों को खुदवाने में लगे हुए हैं, ऐसा तमाशा हमने कभी नहीं देखा। मंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमने पिछली सरकारों ने जितना वो किया उससे कई गुना ज्यादा रेवेन्यू माइनिंग से पाया है, इसका मतलब है चोर हम नहीं थे, दूसरे लोग थे। अगर आप कभी चाहें तो मंत्री जी को मेरे सामने बिठाएं, किसी गांव की चौपाल पर हरियाणा के किसी भी मंत्री को लेकर के आए और वो साबित अगर कर दें कि माइंस में इन्होंने आमदन बढ़ाई है तो हम राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने तो माइंस के नाम पर अपने घरों को भरा है, अधिकारियों की जेबें भरी हैं, तमाम माइंस, चाहे वो यमुना का रेत है, चाहे वो भिवानी की पहाड़ियां हैं या गुड़गांव फरीदाबाद के जो पहाड़ हैं, दिन और रात उनमें नाजायज इनके राजनीतिक संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में वहां पत्थरों की और रेती की चोरी का काम लगा। दलाल साहब कहते हैं कि यह सरकार बांटने का काम करती है, कुछ करने का काम नहीं करती है। कहीं जाइएगा मत, दलाल साहब आपके और सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ करण दलाल साहब हैं। दलाल साहब, एक चीज जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार इनमें बहुत है, आप में बड़ा साफ सुथरा था, पाक साफ था, लेकिन कहीं पर भी हो, जब भी आपके तमाम प्रोजेक्ट्स पे बात चलती है, तमाम चीजों पे बात चलती है, तो यही आता है कि हुड्डा साहब ने ये किया, हुड्डा साहब ने वो किया, हुड्डा साहब ने ये किया, तमाम सीबीआई में केसेस रजिस्टर हो गए, सारी चीजें हो गई। तो आप लोग भ्रष्टाचारी थे कि ये है? जिनकी हुकूमत होती है जी, और उस हुकूमत को किस तरीके से वो लोग अपनाते हैं। मिसाल के तौर पर हुड्डा जी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनके पास आया करते थे और वो सबके काम किया करते थे जी। उन्होंने अपने विरोधियों पर आज तक 107 151 सीआरपीसी का भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया, कोई बदले की भावना। चौटाला साहब कहते हैं कि हमें जेल इन्होंने भिजवाया। चौटाला साहब के ऊपर जो केस बना है, जब चौटाला जी खुद मुख्यमंत्री थे जी, बीजेपी एनडीए के पार्टनर थे जी, और इनकी सरकार के होते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे जिसमें इनको दोषी पाया गया, तो उसमें हुड्डा जी का कोई रोल नहीं था। हाँ, उसमें मेरी गवाही थी जी, क्योंकि जब हुड्डा जी, जब चौटाला जी की हुकूमत, इसका मतलब तभी आपसे खार खाते नहीं, मेरा फर्ज है, मैं एक विधायक हूं और विधायक होने के नाते अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज है। वो मैंने चौटाला जी की हुकूमत में भी किया, वो मैंने अपनी सरकारों के भी खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आज की इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी मैं आवाज उठाता हूं। मेरे घर के अंदर इनकम टैक्स के छापे डाले गए, मैं अकेला विधायक हूं पूरे देश में जिसके घर में आकर के इनकम टैक्स ने छापा मारा, सीबीआई रेड मेरे घर के अंदर हुई है जी। तो ये जो हुड्डा जी के खिलाफ टारगेट पे रहते हैं, जो हुड्डा जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं जी, ये केवल और केवल इसलिए कि हुड्डा जी की लोकप्रियता जो लोगों के अंदर बनी हुई है उसको खराब करने के लिए जी। और ये मुकदमे जो दर्ज हुए हैं, हमें इस देश की अदालतों पर पूरा विश्वास है जी। और जब ये मामले अदालत में चलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा जी, हुड्डा जी निर्दोष साबित होंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम इल्जाम औंधे मुंह पड़ेंगे। कहीं पर कोई कहता है कि किसान दर्द से कराह रहा है, कहीं कोई कहता है कामगार कराह रहा है, कहीं जो है कर्मचारी वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है, सारी चीजें, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ आवाज उठा रही है? देखिए, ये सही है कि हमारी पार्टी पिछले दिनों जो गुटबाजी का शिकार रही जी, लेकिन गुटबाजी होते हुए भी हम विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, कौन सा ऐसा मुद्दा है बताइए हरियाणा में जो कांग्रेस ने ना उठाया हो? मैंने हमेशा मुद्दे उठाए हैं, हमारे और साथियों ने हमेशा मुद्दे उठाए हैं। हमने सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदर्शन किए हैं, जल से जलूस किए हैं, इनकी पोल खोलने का काम किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। हाँ, ये ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारी गुटबाजी प्रदेश के अंदर थोड़ा ज्यादा बड़ी हुई थी,
लेकिन अब उसको भी ठीक करने का काम चल रहा है। आप क्या ठीक करेंगे, आपका संगठन अलग पड़ा हुआ है, जो संगठन के मुखिया हैं वो अपना रोना रोते हैं, हुड्डा साहब हैं वो अलग धारा में चलते हैं, किरण चौधरी हैं वो अलग तरह से करती हैं, उसके अलावा सूर्यवाला अलग धारा में चल रहे हैं, शैलजा अलग धारा में चल रहे हैं, आपके यहाँ तो कोई पता ही नहीं है कि लीडर कौन है। देखिए मैं इस बात से बिल्कुल आपके सामने या आपके चैनल के सामने गलत बात नहीं कहूंगा, मैंने पहले भी माना है जी। और ये वाकई एक बहुत बदकिस्मती की बात जी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि पार्टी बड़ी होती है जी। और उसमें जो अलग अलग जो मोहरे हैं उन सबको पार्टी के अंदर रह करके और हमें लोगों की आवाज को बुलंद करने का हमारा फर्ज है जी। और ये जैसे मैंने कहा कांग्रेस की इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं और ये खत्म हो जाएगी जी, खत्म हो जाएगी। अभी हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई, जो वायुसेना के विमानों ने जाकर के पीओके में बम गिराए और बहुत बड़ी एक वहां तबाही करी, और उसके बाद में तमाम सारे लोग जो हैं उसके पहले पुलवामा में शहीद हुए तमाम जवान हमारे, उन सब चीजों को लेकर के कि राजनीति कर रही है कांग्रेस, कौन राजनीति कर रहा है? देखिए हमारे नेताओं ने जब ये घटना घटित हुई जी। तो सबने एक स्वर में कहा कि हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ हैं जी। अगर हमारे देश की सुरक्षा का कोई मुद्दा है तो हम उसमें आपस में राजनीति नहीं करेंगे जी। अब सवाल आता है कि जो ये वारदात पाकिस्तान के अंदर हुई जी। तो उसमें देश के लोगों को या हमारी पार्टी के नेताओं को केवल इतना हमारे नेता कहने लगे हुए हैं कि भाई हमें भी ये बता दिया जाए कि इस जो हमला हमारी फौज ने या हमारी वायुसेना ने किया है जी। उसमें कितनी क्षति पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि उधर वो लोग मना करते हैं जी। तो केवल उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए और देश के लोगों को वास्तविकता दिखाने के लिए जी। हम उनसे वो जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हम इस मुद्दे पर हमेशा जो भी देश की सरकार है उनके साथ रहेंगे, और अगर पाकिस्तान या कोई भी हमारे देश की अखंडता या हमारे देश के अंदर कोई हरकत करेगा तो हम सबको मिलकर के उनका मुकाबला। पुलवामा की घटना एक जो खुफिया चूक भी मानी जाती है, जैसे कि पुलवामा की घटना में जो बच्चे शहीद हुए, उसके बाद में दूसरे और स्ट्राइक्स में शहीद हुए, उन सारे बच्चों में से कई बच्चे हरियाणा के थे, हरियाणा ने उनको कितना फैसिलिटेट किया, कितना किया, उसके अपेक्षा दूसरे ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया इसमें? सही मायनों में क्योंकि ऐसा मुद्दा है और मैं इसमें कोई ज्यादा अपने आप को शामिल कर नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पुलवामा में जो घटना घटित हुई जी। उसके लिए अगर कोई दोषी है तो देश की भारत सरकार है। जम्मू कश्मीर में जी। मुफ्ती महबूबा के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, क्या बीजेपी तब जानती नहीं थी ये टेररिस्ट को पनाह देने वाली पार्टी जी। वही घटना होती है तो हमारी सरकार कहां थी, वो आरडीएक्स कैसे आया जी। और फिर मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं जी। हरियाणा में केवल मात्र 35-50 लाख रुपए देने का की बात की जा रही है जी। तो इसके ऊपर पूरे देश के अंदर कोई ऐसी नीति बने जी। कि जहां शहीदों को उनके आश्रितों को सही तरीके से सम्मान दिया जा सके जी। और हम सब मिलकर के अपने देश की इन बाहरी ताकतों का मुकाबला करने में अपनी सेनाओं के साथ, अपनी जो वायु सेना है या नौसेना है, उन सबकी हौसला अफजाई करें और इन पे कोई राजनीति ना करें जी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि शहीदों की लाशों पर राजनीति कांग्रेस करती है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए जो शहीद हैं वो एक देश की अमानत है जी। और वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के और देश की रक्षा करते हैं जी। तो हम राजनेताओं का ये फर्ज है, चाहे कोई विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, कि हमें किसी को भी उनका नाम लेकर के उनकी राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दोनों पक्षों से होने लगी हुई है, बीजेपी भी राजनीति कर रही है जी। और उसमें कांग्रेस भी सवाल जवाब करती है जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि किसी को भी जी। इस चीज में पहले तो देश के प्रधानमंत्री को अपने आप को रोकना होगा।
फिर दूसरे दलों को भी इसमें कोई हिस्सा ना लेकर के और जो देश की हमारी सेनाएं हैं उनकी हौसला अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। हरियाणा में जो पूर्व सैनिक हैं और सैनिक परिवारों के बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो पूरे सेना में सेवा कर रहे हैं और दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए और चीजें करने के लिए आपके यहां आप लोगों ने क्या प्लानिंग करी, क्या किया कि यदि कांग्रेस किसी स्थिति में खड़ी होती है तो क्या करेगी? देखिए, अभी जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, विधानसभा में भी हमने अविश्री जब पढ़ी जाती है तो उसके बाद बजट स्पीच में भी सब काफी विधायकों ने अपने सुझाव रखे कि जो शहीद हैं, शहीद की अमानत, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके जीवन को आगे चलाने की जो सुविधाएं हैं उसका एक अभी कोई कानून नहीं है, मर्जी है सरकार की, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है जी। तो इसका बाकायदा कानून बना देना चाहिए जी। और उस कानून में प्रावधान हो कि जो हमारे शहीद हैं और उनकी अमानत है, उनके बच्चे हैं, उनको कानून बना करके ऐसा हम उनको प्रोत्साहन और मदद दें जिसको कहीं भी कोई बदल ना सके। शहीदों के बच्चों को मदद दें, उन्हें हर तरीके से कानून बना करके संरक्षण दें, यह कहना है करण सिंह दलाल का। दलाल साहब हमारे साथ आपके सवालों का जवाब दे रहे थे, उन्होंने तमाम सारे सवालों पे खुलकर जवाब दिया, उनका धन्यवाद। और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ एक नई शख्सियत के साथ में, नए सवालों के साथ में। धन्यवाद।